नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हुई है। पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में बुलाई गई। बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस किया गया। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों के बारे में जानकारी बताते हुए पीएम के आगे अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 में विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर बाहर चली गई। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनका माइक म्यूट कर दिया गया और उन्हें 5 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई। दिल्ली में बैठक में भाग लेने वाली विपक्ष शासित राज्य की एकमात्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि जब उन्होंने पश्चिम बंगाल को केंद्रीय धन देने से इनकार करने का मुद्दा उठाया तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। ममता ने कहा कि मैंने कहा कि आपने मुझे क्यों रोका, भेदभाव क्यों कर रहे हैं और मैं बैठक में भाग ले रही हूं, आपको खुश होना चाहिए और इसके बजाय आप अपनी पार्टी और अपनी सरकार को और अधिक अवसर दे रहे हैं। विपक्ष की ओर से केवल मैं ही वहां हूं और आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह न केवल बंगाल का बल्कि सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में उनका माइक म्यूट कर दिया गया था। उनका दावा किया गया कि इस बैठक में बोले नहीं दिया गया। सीएम ममता बनर्जी के इस दावे में कितना दम है इसकी सच्चाई भी सामने आ गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो पीआरबी फैक्ट चेक के मुताबिक इस दावे में बिल्कुल सच्चाई नहीं है और भ्रामक है। उनके बोलने का समय खत्म हो चुका था और इसे मार्क करने के लिए बेल भी नहीं बजाई गई थी। अल्फाबेटिकली ममता बनर्जी का नंबर लंच टाइम के बाद आना था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी के अनुरोध पर उन्हें 7वें स्पीकर के रूप में शामिल किया गया क्योंकि उन्हें जल्दी लौटना था। रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगस्त महीने में यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला कीव दौरा होगा। पीएम मोदी का यह दौरा रूस यात्रा के करीब एक महीने बाद हो रहा है। मॉस्को में पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तब सार्वजनिक रूप से नाराजगी दिखाई थी। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा को रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी साधे रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने के लिए आमंत्रित किया था। सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी ने उनका यह न्योता स्वीकार कर लिया है और 23 अगस्त के आसपास वह यूक्रेन का दौरा करने जा सकते हैं। हालांकि अभी तक इन तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर बल के जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के बहादुर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राष्ट्र सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी और हर बार विजय बनकर उभरे हैं। शाह ने कहा कि सीआरपीएफ कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। बता दें कि सीआरपीएफ देश का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है जिस पर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को मूल रूप से क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के साए को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और कांवड़ियों की सुरक्षा और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास तौर पर लखनऊ से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एक यूनिट को बुलाया गया है। कमांडो को कांवड़ यात्रा मार्ग पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की आतंकी घटना को नाकाम किया जा सके। एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर गश्त करने के लिए लगाया गया है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की संख्या में वृद्धि की गई है। दक्षिण कश्मीर के डकसुम में एक वाहन के खाई में गिरने से 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। घटना दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के डकसुम इलाके में हुई है। यह घटना तब हुई जब एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। अधिकारी ने बताया कि सुमो कार अपना नियंत्रण खो बैठी और डकसुम के पास सड़क से नीचे लुढ़क गई जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मौके पर बचाव दल वहां पहुंचा और लाशों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर से आतंकी और सेना के जवानों में मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ कमकारी इलाके में हुई। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान घायल हो गए और एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया था हुआ है और बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। सुरक्षा बलों ने छिपे आतंकवादियों को खोज निकाला जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और उसमें
पांच सैनिक घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इस साल के अंत में होने वाले इस चुनाव के लिए पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट चुकी हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज से दो दिनों के हरियाणा दौरे पर हैं। दरअसल सुनीता केजरीवाल 27 और 28 जुलाई को हरियाणा में चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस दौरे में अरविंद केजरीवाल की पत्नी अम्बाला, रोहतक और भिवानी में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन कर रही हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने कल से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए रैलियों की शुरुआत कर दी है। पार्टी अगले 15 दिनों में 45 रैलियां करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से रैलियां करेंगे। कल सीएम भगवंत मान की बरवाला और डबवाली में रैलियां हुई थी। बेंगलुरु के कोरमंगला स्थित पीजी हॉस्टल में गला काटकर की गई बिहार की युवती की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले अभिषेक नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। 23 जुलाई को इस विभत्स हत्या का सीसीटीवी वीडियो पुलिस ने जारी किया था जिसके वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने अभिषेक को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी अभिषेक और मृतका कीर्ति की दोस्त राजपाली के साथ अभिषेक रिलेशनशिप में था लेकिन बाद में राजपाली ने अभिषेक से अलग होने का फैसला किया जिसमें कीर्ति ने उसकी मदद की। आरोपी अभिषेक की इस बात को लेकर कीर्ति से नाराज हो गया और उसने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया। बेंगलुरु पुलिस ने मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 स्पेशल टीमें बनाई थी और एक टीम ने भोपाल पहुंचकर आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।